जमीन के तनाजे पर नवाज लीग के दो ग्रुपों ने फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला को खौफ में मुब्तला कर दिया। फायरिंग से 12 अफराद जख्मी, दो की हालत नाजुक, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। नवाज लीग के रजब अली बलोच ग्रुप का अपनी ही जमात के दूसरे ग्रुप जाफर अली ग्रुप के खिलाफ फैसलाबाद ओकाड़ा रोड पर एहतजाज। दोनों ग्रुपों के एक दूसरे पर इल्जाम। इसी को देखते हैं तो हम इतना होपफुल नहीं होते हैं कि शरीफों के खिलाफ एक फैसला आएगा, लेकिन हम इंतजार में हैं, हम देखते हैं। माजी में कभी शरीफों के खिलाफ फैसला नहीं आया। पैनामा केस के फैसले के बाद पार्लियामेंट में भी जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ तो दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। टंडू मोहम्मद खान ने पुल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीर के सिंसदादे दहशतगर्दी अदालत का रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार, आमिर लियाकत और खालिद मकबूल का नाम ईसीएल में शामिल करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंपीरियल मार्केट से मुल्हिका इमारत में आतिशजदगी, दूसरी मंजिल पर खानदान फंस गया। मदद के लिए खवातीन की चीखों पुकार। वो तो बदमाशी कर रहे हैं, मारने को तुले हुए हैं पेशेंट को, डॉक्टर मेरे साथ, मेरी बेटियों जैसी बदतमीजी कर रही है, आए मेरे साथ इमरजेंसी में। कहते दोबारा गए हैं, फिर कहते हैं आउटडोर में चले जाएं, उधर चले जाएं, आउटडोर बंद था, दूसरे गए हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास मरीज क्यों भेज रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं हम। लाहौर में मरीजों के लिए नवा दिन भी रिलीफ न लाया। यंग डॉक्टर्स ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर इमरजेंसी में भी काम बंद कर दिया। लवाहिकीन मरीजों को उठाए, जगह जगह ख्वार होने लगे। 10 दिन की मोहलत मांगने के बाद 6 रोज कराची के शहरियों को खून के आंसू रुलाने के बाद यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। जिना अस्पताल लाहौर की इमारत 20 साल में ही नाकारा करार, सीवरेज लाइन मुकम्मल तबाह, आवाम के 1 करोड़ रुपए डूब गए। मजीद खर्च की तैयारी, तामीर नौ के लिए 26 करोड़ का मंसूबा तैयार। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा जियोलॉजी में कशीदगी 5वें रोज भी जारी, असातिज़ा के एक ग्रुप ने तालाबंदी कर दी, तलबा जमीन पर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर। धोखेबाजों ने मरीजों को भी ना बख्शा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में 150 किलो मुजरे से गोश्त तल्फ, मुकदमा दर्ज। हम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी, 4 सदर से 35 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। पंजाब के कई शहरों में सर्च ऑपरेशन, हैदराबाद में भी कार्रवाइयां। ₹40,000 वाला प्राइस बॉन्ड खरीदें, 6 माह बाद मुनाफा और इनाम भी पाना। हुकूमत ने स्कीम मुतार कराने की तैयारी शुरू कर दी। काविश की आलमी सतह पर पजीराई, बरतानवी टीवी चैनल सोलर बच्चों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने को तैयार, शूटिंग की तैयारी मुकम्मल। प्रोड्यूसर और असिस्टेंट दुनिया न्यूज के मेहमान। का काम जारी, पंजाब हुकूमत ने कहा है कि सिर्फ एक स्टेडियम या रूट का नहीं पूरे पंजाब का मामला है।